हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज रीडिंग का टॉपिक है यू विजडम। आपका टैरट कार्ड गाइडेंस विद उपासना में वेलकम है आप लोगों का। होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी में होंगे। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि बोतल पानी की पड़ी है जहां पे आप लोग रीडिंग देख रहे हैं। कुछ लोग मेरे को ये चैनल मैसेज मिला है और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ मेरे व्यूअर्स बहुत पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहे हैं, कहीं करना शुरू कर दिया उन्होंने। यहाँ पे कुछ लोग शादी अटेंड कर रहे हैं या उनके घर में कोई सेलिब्रेशन या कोई पार्टी या कोई, मुझे ये कमेंट में बताइएगा। जितनी भी मैं ऐसे चैनलिंग करती हूँ ना, वो मेरे को बताइएगा कि आपके साथ रेजोनेट होता है या नहीं होता है। कोई इंसान आपके लिए बहुत पैशनेट है, ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, इसकी इंट्यूशन ये है, विनर होना चाहता है इस रिश्ते में। चलिए अब मैं आपको अपना टॉपिक बताती हूँ। रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपके जो पार्टनर पर्सन लव वन या आपके हस्बैंड हैं या कोई भी सिनेरियो है, कोई लव सिनेरियो आपका, मैं आज ये देखने की कोशिश करूंगी कि ये इंसान जो है करेंटली, करंट में ये इंसान आपको कोई कमिटमेंट के लिए सोच रहा है, इसके मन में क्या फीलिंग्स हैं। करंट एनर्जी के ऊपर रीडिंग है, ठीक है। सॉरी मैं जरा सेटअप उधर तक नहीं जा पा रही, मैं यहीं पे बना रही हूँ रीडिंग। मैं सोचती हूँ कि चलो एक रीडिंग तो अपने व्यूअर्स को दे ही दो। चलिए करंट एनर्जी के लिए मेरे पास पहला कार्ड यहाँ पे एम्परर का आया है। मींस यहाँ पे एक होता है ना, जैसे एक इंसान अपनी अथॉरिटी में होता है। अथॉरिटी मतलब क्या है कि जैसे इस कार्ड को मैं देख रही हूं तो मुझे लग रहा है एक इंसान, वो ये नहीं देखता कि वो उसने सही किया है वो गलत है, लेकिन वो अपनी चला रहा है, शुरू से लेकर अंत तक वो अपनी चला रहा है। माई वे इज अ हाई वे, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ये इंसान फादर फिगर हो सकता है या आप में से, आप लोग जो देख रहे हैं आप फादर फिगर हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं। जो ये आपका पर्सन है ना, इसको लगता था कि आप इसको चेज करोगे। ये चाहे जैसा भी है, जैसा भी इसने जेस्चर दिखाया है, आप इसको चेज करना नहीं बंद कर सकते, ठीक है जी। एक डिप्लोमेटिक, जैसे कहते हैं, डिप्लोमेसी दिखाई है इस बंदे ने इस रिश्ते में। देखिए यहां पे वर्ल्ड का कार्ड आया है और वर्ल्ड का कार्ड मुझे इस चीज को बता रहा है। यहां पे वर्ल्ड के कार्ड को मुझे ये देख के लग रहा है कि ये इंसान जो है आपका पार्टनर, जिसकी हम करंट एनर्जी देख रहे हैं, ये बहुत ओवर एम्बिशियस है। एक होता है अम्बिशियस होना, एक होता है ओवर एम्बिशियस होना, वो चीज मैं देख पा रही। देखिए ये इंसान, देखो या तो इसने कोई वीजा वगैरह बनवाया फॉरेन कंट्री जाने के लिए, या अभी इसने कोई यात्रा करी है आउट ऑफ कंट्री, या आपने ऐसा करा है, या ये आपका रिलेशन जो है आपको ऑनलाइन आप मिले हैं, ये इंसान किसी दूसरी कंट्री से है और आपके साथ जो है आप लोग सोशल साइट पे मिले हैं। ये कार्ड मुझे एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखा रहा है, ठीक है, एक वक्त के चेंज होने को भी दिखा रहा है, एक फेज खत्म होने को दिखा रहा है, एक न्यू फेज स्टार्ट होने को दिखा रहा है, ठीक है। ये जो इंसान है, जो आपका पर्सन है, ये इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को खत्म करना चाहता है। क्यों खत्म करना चाहता है भगवान जी?
एक्चुअली इस बंदे को ना एहसास हो चुका है। देखिए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया, आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखें तो इस कार्ड के ऊपर आप देख रहे हैं इसके सिर पे कितनी लाइट है, और ये लाइट जो है अक्सर आपने देवी देवताओं के सिर के आसपास देखी होगी। इसका मतलब क्या है कि ये इंसान जो भी है, अगर पास्ट में जो भी हुआ है, लेकिन इसकी अवेकनिंग हो चुकी है, इसको रियलाइजेशन हो रही है डिवाइन की तरफ से कि मतलब इस रिश्ते में या अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाने के लिए। ठीक है, मतलब एक होता है ना जैसे नेचर जो है किसी को पुल करता है कि आपको ये काम करना ही करना है, वो चीज़ यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, इस नो कांटेक्ट को आपने खत्म करना ही करना है, ऐसा बैलेंस बनाना ही बनाना है, क्योंकि ये कार्ड जो है टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड जो एक मतलब ये इंसान आपसे एक ऐसा रिश्ता फील करता है कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इस टाइप से कि सब कुछ होते हुए भी या सब में होते हुए भी आपको ढूंढने वाली एनर्जी है। और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। इस तरह से बताना पता नहीं आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, पर मुझे जो जिस टाइप से जो मुझे करना है, आपके पास ना क्लैरिटी आ रही है इस पर्सन की तरफ से। मतलब अगर आप इस रिलेशन में काफी टाइम से स्टक थे, आपको क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपको इस इंसान ने क्लियर, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही थी, या तो हो सकता है आपकी कन्वर्सेशन होगी इस इंसान से, ये नो कांटेक्ट चाहे खत्म हो चाहे ना हो, लेकिन आपसे ये इंसान बात करेगा। ठीक है, मतलब चीजें आपके सामने क्लियर होंगी। यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं जो ना अपने करियर वाइज देख रहे हैं कि उनको ना जैसे एक हताश हो चुका होता है ना इंसान के, मुझे जो है अब मैं किसी बुलंदी पे किसी मुकाम पे पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, इस टाइप की एनर्जी लेके यहाँ पे कोई इंसान बैठा है। उसके लिए उसको ये कहा जा रहा है कि उसको बिल्कुल भी वरिड होने, उसकी जीत जो है निश्चित है भगवान के द्वारा। प्लीज डिवाइन गाइड करें। साइन देखूं तो यहाँ पे सारे ही हैं, क्योंकि यहाँ कप्स भी मुझे मिल गए हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, क्योंकि यहाँ पे कप्स हैं और स्वॉर्ड है तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का है, वर्ल्ड का कार्ड है तो साइन सारे ही हैं, पेंटिकल भी आ गया, नहीं नहीं सॉरी पेंटिकल नहीं आई। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए किंग ऑफ कप्स। अब आपको खुद समझ आ गई होगी कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स ने आके ये दिखा दिया है कि जो ये आपका एम्परर है आपके लिए बेहद जज्बात रखता है, आपके लिए डीप इमोशंस हैं इस बंदे के मन में, इतने इमोशंस हैं कि इसको डर लगता है कि इसने अगर आपके आगे जाहिर कर दिए तो अगर ये आपके सामने जो एक एक मुखौटा पहने हुए है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, अगर इसने एक बार आपको एक वो इमोशंस का सिलसिला अगर आपको बताना शुरू कर दिया तो बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत है बातें हैं जो ये बताना चाहता है आपसे। ठीक है, आपको अपने इमोशंस शायद इसने अब तक ना किए हो तो शो करना चाहता है, आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है ये इंसान। और वर्ल्ड का कार्ड फेस के चेंज होने को भी बताता है, एक गुड लक को भी बताता है, तो हो सकता है आपका गुड लक स्टार्ट हो रहा है, इसी वजह से आपको ये क्लैरिटी, ये इस बंदे का इतना इमोशंस होना, इस बंदे के अंदर या बंदी के अंदर इतनी अवेयरनेस आना कि ये इस रिश्ते में बैलेंस बनाए, इसको डिवाइन की तरफ से यूनिवर्स की तरफ से ऐसे जेस्चर ऐसे सिंक्रोनिसिटी मिलना मिल रही होंगी इस इंसान को जो भी आपका लव वन है कि आपकी मंजिल जो है यही है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंटली वो क्या जो है, लेकिन ये टाइम लेगा अभी भी इंसान, क्यों लेगा, क्योंकि यहां पे ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में आया था। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या चाहते हैं वो। ओके,
देखिए मे भी इस इंसान के ऊपर फैमिली बर्डन्स थी बहुत ज्यादा, हो सकता है कि वो बर्डन्स जो हैं अब कम हो चुकी हैं या रिलीज हो चुकी हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, ये आपसे क्लियर बात तो करना चाहता है, इसका करंट एक्शन आपसे बात करना ही होगा। लेकिन अभी भी ये कोई जैसे एक ये नहीं कि आपको सॉलिड कमिटमेंट, एक तरह से आपको टटोल लेगा ये इंसान कि आपके मन में क्या है पहले, क्योंकि पहले ही हमारे पास एम्परर मिला है। एम्परर ये एक ऐसी अथॉरिटी फिगर होती है, अथॉरिटी और एक डिप्लोमेसी दिखाना, इस बंदे को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती। ये इंसान जो है पहले आपको देखेगा कि आपके मन में अभी फीलिंग्स बची हैं या नहीं है, आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं या नहीं चाहते, चाहे कितने भी इमोशंस हो फिर भी अपने पैर पीछे कर लेगा। अगर इसको जरा सा भी ये हो गया कि अब आप मेरे व्यूअर्स जो है इसमें इंटरेस्टेड नहीं है या मूव ऑन कर चुके हैं या जो भी, मूव ऑन तो यहाँ पे बहुत लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इसकी एनर्जी में और ये आपकी एनर्जी में ट्यून इन है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या फीलिंग है उनके मन में। देखिए इसके जहां पे ये मतलब अभी मैंने कहा ना अभी ये टाइम लेगा, अभी इसके दिमाग में ये जो अंतर द्वंद्व, जो ये लड़ाइयां झगड़े जो भी आपके पास्ट में हुए हैं उस चीज को लेके ये बहुत इंसान सोच रहा है, और हमेशा ये इंसान खुद आपको दोषी ठहराता है और खुद को कहता है कि खुद की जो गलतियां, इसको ये नहीं कि रियलाइज नहीं होती, रियलाइज होती है, लेकिन उनको साइड पे रख के ये आपकी गलतियों को ज्यादा सोचता है कि जो ये जितने भी लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट जो भी हुए हैं उसका मानना है कि वो आपकी उससे हुए हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। देखिए ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, थ्री की एनर्जी यहाँ पे पहली आई है वैसे, ठीक है। देखो इसके पास ऑप्शंस चाहे एक है चाहे दो है, लेकिन इसको पता है कि जैसे कहते हैं ना अल्टीमेटली जो आप, जो इसकी खुशी है या इसकी मंजिल है वो आप ही हो, ठीक है जी। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, मतलब एक इसको पता होते हुए भी आपको वेट करवा रहा है ये इंसान, आपकी तरफ मुंह मोड़ के खड़ा है, आपको वेट करा रहा है, आपको ऐसे देखिए ना इस बंदे का मुंह ऊपर की तरफ है, आपको इस टाइप से शो कर रहा है कि इसको कोई परवाह नहीं। इधर से पेज का कार्ड उल्टा आने का मतलब है कि ये जो अभी भी जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से या एक स्टेबिलिटी से या आपकी तरफ नहीं, आपको पहले टटोलेगा ये बंदा, वही अपनी। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या फीलिंग रखते हैं उनके लिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके लिए क्या फीलिंग रखते हैं। देखिए मैंने कहा था ना ये आपसे बात जरूर करेगा, ये आपसे बात जरूर करेगा, ये आपको कोई कॉल या टेक्स्ट जरूर करेगा, क्योंकि ये इंसान आपके लिए ना डीप फीलिंग रखता है। जो चीज कहते हैं ना, जो चीज हमारे, जैसे अब हम मान लो कोई चीज, जैसे हमारे बच्चे ही हैं, उनको हम बार बार रह रह के भी, ना चाहते हुए भी, लड़ाई होते हुए भी बार बार उनको याद करते हैं ना, उनको खाना पैक करके भी फिर भी फोन करके पूछते हैं खा लिया आपने। ऐसे ही हम अपने हस्बैंड या अपने जो कंसर्न जो लोग हैं उनको पूछते हैं, किस लिए पूछते हैं, क्योंकि उनका एक हमारे दिल में एक जगह है, एक डीप फीलिंग है, एक इमोशंस है, ठीक है। तो ये इंसान जो इसके इमोशंस है ना, जो ये आपको शायद एक भुलेखे में रखा हुआ है, एक जैसे कहते हैं ना एक उसमें रखना, हमेशा मैनिपुलेट करते रहना, उस एनर्जी में इसने जो है आपको रखा है, ठीक है, और अभी भी रख रहा है। अभी भी मैं कह रही हूं पहले ही आपको देखेगा, कभी भी ये नहीं कहेगा डायरेक्ट आपके सामने आके कि इसके मन में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, ये आपके लिए तड़प रहा है, क्लैरिटी
चाहता है या कुछ भी चाहता है, क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वॉन्ट्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि आपके पास इसका कोई कॉल या टेक्स्ट आएगा या आपसे बात करेगा, हो सकता है आपको क्लेरिटी भी दे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एस का कार्ड आया है और एस ऑफ स्वॉर्ड कार्ड होता है एक एक क्लियर कम्युनिकेशन का, समझ गए, एक वैसे नॉर्मली बात करने का नहीं, एक चीजों को क्लियर करने का। चीजों को क्लियर क्यों करना चाहता है, इसीलिए करना चाहता है क्योंकि दे हैव इमोशंस, उसको पता है कि आप अल्टीमेटली आप इसकी खुशी हैं, इसने आप तक ही पहुंचना है, ठीक है। और क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, प्लीज बताइए डिवाइन, देख लीजिए। विनर होना चाहता है ये पर्सन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है, ये इंसान आपसे आपको एक स्टेबल ऑफर, एक मे बी हो सकता है ये मैरिड है, अगर ये शादीशुदा, देखो अगर ये इंसान जैसे कि पहला ही कार्ड हमें एम्परर का मिला था, अगर ये ऑलरेडी शी इज मैरिड और ही इज मैरिड, अगर ये मैरिड है तो भी ये दिल में अपने यही एक उम्मीद रखता है कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि ये आपको स्टेबिलिटी दे सके, आपके साथ अपनी लाइफ देखता है, आपके साथ अपना पास्ट देखता है, पास्ट सॉरी फ्यूचर देखता है, समझ गए। जैसे कहते हैं ना आप इसको कंप्लीट करते हो, इस टाइप की फीलिंग ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। और बताइए भगवान जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोचते हैं उनके लिए, क्या करेंटली क्या एक्शन लेना चाहते हैं ये बताएं भगवान जी। क्या बताएं भगवान जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए इसका नेक्स्ट एक्शन मैंने निकाला तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया। ये जो शुरुआत है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो शुरुआत है, पहले आपको देखेगा कि आपके मन में क्या फीलिंग्स है, इस टाइप से बात शुरू होगी, ठीक है। या फिर जो अगर ये आपको देना तो चाहता है कमिटमेंट, या देना तो चाहता है, एक शुरुआत करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन मूवमेंट स्लो है क्योंकि ये अभी अभी इसको क्लियरेंस नहीं है, क्लियरिटी, तभी ये कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड का, कि क्लियरिटी चाहता है ये आपको देना और खुद भी क्लियर होना कि आप अभी भी इसकी उसी रिलेशन में आप उसके साथ ट्यून इन हैं या नहीं है, या आप मूव ऑन हो चुके हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, तो नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है एक ही दिन में आपको इसका कॉल टेक्स्ट आ जाए, या एक महीने में, इसी महीने में। वाओ देखिए लवर्स का कनेक्शन आपका, दोनों तरफ है इमोशंस, एक एक दूसरे को क्रेव करना, एक दूसरे को ढूंढना, बहुत सी चीजें आप दोनों को एक दूसरे की याद दिलाती हैं, चाहे आप मूव ऑन हो चुके हैं चाहे नहीं हो चुके, जैसे कोई सॉन्ग हो गया या कोई जो एक जो मोमेंट्स हैं, जो कोजी मोमेंट्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसा मोमेंट है जो आप लोगों ने इकट्ठे एक दूसरे के साथ बिताए हैं, उन चीज़ों को याद करना, उन चीज़ों की याद जो है इनको यूनिवर्स दिलाता है किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो सॉन्ग के थ्रू, चाहे वो किसी भी तरह से, ठीक है जी। ये आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ओके थर्ड पार्टी है, लेकिन यहां पे जो ये थ्री ऑफ मुझे आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है एक्चुअली ये पर्सन, आपको काफी हाई रिगार्ड्स में देख रहा है, आपको ये जो है मे भी हो सकता है मेरे व्यूअर्स जो है इस टाइम काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि लोग उनको देख रहे हैं, या लोग उनको काफ़ी उनकी तारीफें कर रहे हैं, या उनके बारे में बात चल रही है, या कुछ भी हाइलाइट्स में जैसे कहते हैं ना, तो ये आपको हाइलाइट्स में देख रहा है, एक पॉजिटिव
एटीट्यूड से हाईलाइट में देख रहा है, तो ये इंसान चाहता है आपके साथ सेलिब्रेशन, ठीक है, चाहे ये थर्ड पार्टी में है चाहे ये फोर्थ पार्टी में है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए यहाँ पे, मुझे ये क्लियर कीजिए कि यहाँ पे टावर का कार्ड जो है उल्टा क्यों आया है। मैंने तो आपको बता दिया टावर का उल्टा इसलिए आया है क्योंकि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को खत्म करना चाह रहा है बंदा या बंदी। ओके देखिए टावर का कार्ड उल्टा आने को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल ने कि एक इंसान इस नो कॉन्टेक्ट को इसलिए खत्म करना चाहता है क्योंकि आप में वो सारे गुण देखता है जो इसको चाहिए थे एक अपने पार्टनर में, इसलिए इस नो कॉन्टेक्ट को खत्म करना चाहता है ये इंसान, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। करंटली बहुत से व्यूअर्स मुझे बोलते हैं कि करंट एनर्जी जो है आप रोज करने की कोशिश करें, तो मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ पर मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। अभी भी मैंने खाना नहीं बनाया, अब मैं खाना बनाऊंगी जाके इस रीडिंग के बाद। देखिए यहाँ पे ये कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि इसको जो है इस इंसान को यही लगता है कि सब लोग इसकी बैक बिचिंग करते हैं, इसको नीचा दिखा के खुश होते हैं, मतलब इसको ये लगता है कि शायद ये चीजें इसने मतलब आपके साथ जो थोड़ा बहुत भी गलत किया है ना, तो डिवाइन ने इसको ये इसके साथ ऐसा हो रहा है, इसको ये चीज जो है इसको बार बार रिमाइंड होती है। इसीलिए ये अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है क्योंकि इसकी अवेकनिंग हो चुकी है। देखिए इसने कोई कर्मा फेस करें, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड हमें बता रहा है कि इस बंदे को जो है डिवाइन ने ऐसे सबक सिखाए हैं यूनिवर्स ने कि ये इंसान जो है, मैंने पहले भी बोला था ना कि यहाँ पे टेम्परेंस के कार्ड से कि इस बंदे को जैसे कहते हैं ना रियलाइजेशन, वो हो चुका है, अवेकनिंग हो चुकी है, अब ये इंसान आपसे एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। ओके व्यूअर्स, आपसे आप इस रिश्ते में मतलब बहुत चीजें आपसे छुपी रही हैं और अभी भी आपको पूरी सिचुएशन जो है इस बंदे की क्लियर नहीं है क्योंकि शुरू से इसने थिंग्स को हाइड करके रखा है। यहाँ पे मुझे मून का कार्ड भी दिखा है, तभी यहाँ पे हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आना तो चाहता है, देना तो चाहता है आपको कमिटमेंट, लेकिन जो अपनी एनर्जी को बहुत कम रखा है इसने, मे बी इसी कारण से कि अगर एक चीज अगर कुछ बताने की कोशिश करेगा तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है, अगर थोड़ा सा कुछ बताएगा तो सारी क्लैरिटी देनी पड़ेगी, तो एक सही टाइम का एक सही वक्त का इंतजार कर रहा है मे बी ये इंसान। लेकिन अब ओवरफ्लोइंग इमोशंस, अब आपको स्टेबिलिटी, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहता है ये आपके साथ। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की करंट एनर्जी आपके पार्टनर की। कुछ चीज़ें वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, अगर आपके पर्सन का कहा गया है तो वो आपका भी हो सकता है मैसेज, क्योंकि कई बार जैसे मैं रीडिंग करती हूँ ना, वैसे मैं पर्सनल रीडिंग तो नहीं करती लेकिन जैसे अपने घर में ही किसी की करनी पड़ जाती है तो मैं ये देखती हूँ कई बार वो सिचुएशन जो है वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है। चलिए ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।